नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बलिया जिले में जिला अधिकारी कार्यालय पे मौजूद हूं और यहां तमाम तरह के जो है पब्लिक जो है आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर के और जिला अधिकारी को अवगत कराते हैं। बहुत ही कम ही लोगों का जो है फरियाद तो सुनी जाती है, लेकिन जो फरियाद जो है पूरी हो पाती है। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, दो माता पिता हैं, बहुत ही दुखी हैं। क्यों ना हो, 10 महीने से जो है उनका बच्चा जो है गायब है, वो भी मासूम है, 13 साल की उम्र बताई जा रही है उसकी। आइए उसे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। मेरा नाम प्रभुनाथ गुप्ता है। सर जी, आज आप कहाँ मौजूद हैं? मैं यहाँ बलिया DM ऑफिस कार्यालय। क्या करने आए थे आप? मैं आया हूँ, लड़का गुम हुआ है उसी का सिलसिले में आया हूँ। क्या नाम है लड़के का? अनु गुप्ता। कब गायब हुए थे? 20 जनवरी को। 20 जनवरी 2022। महीना चल रहा है? हाँ, 11 महीना हो गया। प्रथम रिपोर्ट कहाँ दी थी? पैरिया थाने में। वहाँ से क्या जो है कार्रवाई हुई? वहाँ से अभी तक तो हमारे कुछ नहीं हुआ। 11 महीना हो गया, जब जाते हैं तब कहते हैं कि हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं, तब हम इसका जवाब क्या हमारे पास है। जब हम किस जगह गए हैं आप बच्चे की तलाश में? कप्तान साहब के यहाँ गया हूँ 3 बार, DM साहब के यहाँ 2 बार आ चुके हैं। तो अभी तो हम DM साहब के यहाँ मिले तो बोले कि भाई आपका काम होगा। आपको कभी इस सिलसिले में बुलाया भी गया है कहीं? हाँ जी, बुलाए थे थाने पर, दरोगा जी बुलाए थे। तो खाली फिर वही बात पूछे, बोले कि चलो आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास नहीं गए। जिला अधिकारी से पहली मुलाकात है आपकी? पहली बार मिले हैं? एक बार तो मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन अभी आमने सामने मुलाकात हुआ। मैं दिया अपना एप्लीकेशन। उनकी तरफ से कुछ आश्वासन आपको मिला है? जी। क्या बोला उन्होंने? बोले कि आपका काम होगा। कैसे क्या होगा? उम्मीद है कि अब देखिए, अब विश्वास से बढ़कर क्या चीज है। उन्होंने बताया कि आपका काम हम आगे बढ़ाएंगे। और किसी तरीके से जराय से आपने पता किया कि इतना मासूम बच्चा पढ़ाई वढ़ाई करता था कि नहीं करता था? 6th में था। किसमें पढ़ाते थे? सरकारी? नहीं, सरकारी में। तो खुद क्या करते हैं? हम तो मजदूर आदमी हैं। और कोई बच्चा आप? हाँ, बच्चा है, एक तो तबीयत खराब रहता है। उम्र होगी उसका? उम्र 20 साल। एक अभी पढ़ रहा है। छोटा है? नहीं, जो बुलाया इससे बड़ा है। ठीक है, आप जो है बच्चे की माता जी हैं, आपका नाम क्या है? कलाची देवी। तो आप बहुत दुखी हैं, दुख आपका जो है समझा जा सकता है, क्योंकि 10 महीने से जो है आपका बच्चा जो है लापता है, जिसका जो कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो IDFM से मिलने के बाद आपको कितनी उम्मीद जगी? सहारा दे है कि हमारे बच्चे नहीं पैसा देगी तो उठा ले जाएंगे। कब उसने धमकाया था? उसे बुलाया के 1 हफ्ता पहले। क्या बात? पैसा तो पैसा ना दे बताए थे तो हम 20,000 ना ले, हमारा आदमी 20,000 रुपया धरे रहने तो निकाल के दे ले बने 20,000 रुपया। पैसा हम ले ले रहने 50,000। तो किस तरह का पैसा? कर्जा से लिए थे। हाँ, उसमें से 20,000 दिए थे हम गाड़ी के कर्जे रख ले रहे तो लग लो धमकावे के ना दे बता लड़का हम उठा ले जाए। फिर भी 20,000 देने के बाद फिर भी हमारे लड़का उठा ले गए। ना आपने थाने पे दी है ये बात बताई? और बात बता रहे हैं सर जी, कितने बार हम लोग भी कुछ भी नहीं बुलाया, अब पूछताछ के छोड़ दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ एक मासूम जो है लापता है, और वो भी 10 महीने से। माता और पिता दोनों जो है मौजूद हैं, और जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल से आज इनका मिलना हुआ, उनकी तरफ से आश्वासन भी मिला है।
थाने पर भी तहरीर दिए हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई इसमें जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अमल में नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कि जिस किसी कोई भी या वीडियो देख रहा है उसको अधिक से अधिक शेयर करेगा, और बच्चे की अगर खबर मिले तो जो है कुछ है आपका जो है नंबर वंबर कुछ है? हाँ, ये दो नंबर है, एक नंबर है 84 29 73 47 16, 91 15 29 98 28, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, इस पर जो है कॉल करके इन्हें जरूर बताएं। भारत मीडिया के लिए सजाद हुसैन के साथ सब्बीर अहमद की।